61वां सर्ग कल्पांत में जगत का नाश होने पर भी अज्ञात ब्रह्म का हृदय जगत अविनाशी है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर तो तीनों काल में जगत की सत्ता ही नहीं रहती। अनादि अविद्या के कारण अज्ञात हुआ ब्रह्म ही अपने असली अकुटस्थ भ्रूणानंद स्वभाव को भूलकर यह कल्पना करता है कि मैं चलन स्वभाव स्वल्प स्वभाव आदित्य रूप आदि रूप हूँ। इस तरह की कल्पना कर मन प्राण आदि के क्रम से भोक्ता रूप और भोग्य रूप होकर सदा सब तरह से उत्तरोत्तर संसारी ही बनता जाता है। इसलिए जब तक अविद्या है तब तक संसार की स्थिति सदा ही बनी रहेगी। यदि शास्त्रों और आचार्य के आदि उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब तो वह सदा सब और से तथा सभी प्रकार से पूर्णानंद चिदेकर मात्र रूप ही बन जाता है। इसलिए किसी समय की कहीं पर कोई भी और किसी व्यक्ति में भी संसार की संभावना नहीं की जा सकती। अतः ब्रह्म नित्य मुक्त स्वभाव ही है ये बताने के लिए महाराज वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र जैसे जल में जल से ही जल रूप वेग तरंग आदि स्फुरित होते हैं, वैसे ही चिदाकाश में चिदाकाश से ही सब अज्ञात आत्मा के स्वभाव से प्राण आदि उपाधियों से परिच्छिन्न जीव स्फुरित होते हैं और वे ही जीव उत्तरोत्तर हजारों संकल्प विकल्पों के कारण संसार के बीज रूप होकर कारण बन जाते हैं और हम लोगों के मन कहे जाते हैं। वे ही मन अपने अंदर रहने वाले योग्य वासनाओं को जगत के आकार में विकसित करने के कारण अनंत जगत रूप बन गए हैं। ये कहते हैं विशद आकाश रूप वे ही हम लोगों के मन में मन है और वे ही स्वयं चारों ओर से अनंत जगत के रूप में परिणित हो गए हैं। इस सब बातों से निष्कर्ष यही निकला है कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्म ही अनेक जीवों के आकारों में और अनेक सृष्टि के रूपों में संसार धारण करता है तथा अकेला वही अपनी विद्या से जीव भाव एवं संसार से मुक्त हो जाता है। परंतु ये निष्कर्ष ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि पहले के प्राकृत प्रलय हो जाने के बाद संपूर्ण जीवों की समष्टि हिरण्य गर्भ के तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर अब उनके निमित्त सब जीव और जगत का बोध अवश्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कभी सभी भी मुक्ति अवश्य माननी चाहिए। जब ये बात मानने को हम बाधित हो जाते हैं तब ये शंका रह जाती है कि एक बार जो ब्रह्म मुक्त हो चुका उसका जीवादि रूप संसार किसके फिर कैसे हुआ। इस आशय से श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान ये जितने प्राणी हैं वे सब महाकल्प के विनाश में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। स्थिति में फिर किसी को किस तरह सृष्टि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न का अनुवादन कर गंधों और गद्य और पद्यों से उसका उत्तर देने के लिए महाराज वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र महाप्रलय पर्यंत जो पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश इन संपूर्ण विशेष पदार्थों का विनाश हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सभी जीव जगत फिर जिस रीति से अनुभूत होता है वह सानंद आप सुनिए। यद्यपि ये मुनि लोग कहते हैं कि आकाश तक के समस्त विषयों का विनाश हो जाने पर जीव जगत मुक्ति में परिणित हो जाता है और केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है जो वर्णनातीत परमार्थ चेतन घन है। तथापि समझने की बात यह है कि चिन्मात्र ब्रह्म जो बच जाता है उसका ये जगत एक तरह का हृदय है और उससे अभिन्न है। संसार सारांश से निकला कि यद्यपि मुक्त पुरुषों की दृष्टि से सभी जीवों की मुक्ति ही है, किसी के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता, तथापि दूसरे जो जीवों हैं उसमें हर एक को तो तत्वज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए उसकी दृष्टि से अपनी अपनी अविद्या को नष्ट हुई नहीं, अतः बंधन का अनुभव होता है। जैसे चंद्रलोक में जो मूलतः रहने वाले हैं अथवा सभी अभी अभी जो चंद्रलोक में जा पहुँचे हैं उनकी दृष्टि में चंद्रलोक की स्वल्प स्वरूपता अत्यंत असत ही है, परंतु भूमि पर स्थित पुरुषों की दृष्टि से तो चंद्र स्वल्प स्वरूप ही है। वैसे ही यहाँ पर भी जानना चाहिए कि इसी बात को स्पष्ट करते कहते हैं वही देव बद्ध सृष्टि से जगत को अपना स्वभाव और हृदय समझता है तथा मुक्त दृष्टि से वैसा नहीं भी समझता। आत्मा के विषय में तात्विक विचार करके स्थित मुक्त स्वभाव हम लोग तो जगत को विनोद
विनोद से यानी ये जगत बद्धि बाधित हो चुका है, पर उसका केवल जले हुए वस्त्र के सदृश भास होता है। इस प्रकार के कौतुक से कुछ है यो देखते हैं उसे वास्तविक रूप से नहीं देखते। इससे तीनों दृष्टियों में जगत आत्मा से भिन्न अभिन्न ही ठहरता है, इसलिए इसका क्या विनाश और क्या उत्पत्ति। वैसे इसका परम कारण विशुद्ध आत्मा अविनाशी है, वैसे ही उस आत्मा का हृदय भूत ये जगत अविनाशी है। जगत अविनाशी है तो महाकल्प अवान्तर कल्प आदि का व्यवहार हो सकता है। इस प्रकार की यदि यदि कोई शंका उठाए तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि महाकल्प आदि भी तो जगत के अवयव है। जब उक्त रीति से जगत नित्य और स्थायी है, तब उसके अंगभूत महाकल्प आदि अनित्य और अस्थायी कैसे हो सकता है। और यहाँ तो कहा भी नहीं जा सकता कि कारण एक समय में नष्ट होकर फिर दूसरे समय में आ जाते हैं। इसलिए यही मानना होगा कि सत्य स्वरूप जो कल्प सृष्टि आदि है, वे ही जब जप माला के अंगभूत मणियों से के सदस्य बार बार काल चक्र रूप में घूम घूम फिर कर आते जाते रहते हैं। अतीत भविष्य आदि कल्प और सृष्टि आदि को लेकर कल्प आदि में परस्पर जो भेद बुद्धि हो जाती है, उसका एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक ज्ञान ही है। परंतु इस अज्ञान को हम यदि हम देखते हैं तो हाथ लगता नहीं। अतः भेद बुद्धि कल्पादि की अस्थायिता आदि में हेतु नहीं हो सकती। गद्य भाग से जिस अर्थ की सिद्धि की गई है, उस अर्थ का अब पद से उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, इसलिए किसी की न तो कुछ सृष्टि होती है, न किसी समय कुछ नष्ट होता है, और न कोई कभी कुछ उत्पन्न होता है। ये जो कुछ दृश्य है सब शांत अज ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म रूपम ही स्थित है। जगत का विनाश नहीं होता, इसमें दूसरी युक्ति बताते हैं। जो असंख्य बड़े से बड़े आकाश तक उसके छोटे से छोटे अणु पर परमाणु तक के पदार्थ है, उन सब में भी जो सत्ता है वह विशुद्ध चिन्मात्र ही की ही सत्ता है। यह जगत उस महाचित्ती का शरीर है। महाचित्ती तो नष्ट होती नहीं, इसलिए उसके विनाश के बिना जगत कैसे नष्ट हो सकता है। जगत वन संवित का हृदय है, यह तो स्वप्न में भी उसका सार ज्ञान भाव है प्रसिद्ध है। यो कहते हैं जैसे स्वप्न में जगत के रूप से संवित का ज्ञान का हृदय में ही भासता है, वैसे ही आदि और सर्ग से लेकर ये सब जो कुछ भासता है वह ज्ञान रूप आत्मा का ही हृदय है, और असल में ये सब है चिदाकाश रूप भद्र। ये सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव मतलब अंग है, और अंगभूत कल्पित इस सृष्टि के उदय तथा क्षय भी ऐसे ही कल्पित अंग है। अतः जो कुछ है वह चेतन रूप आकाश है। ऐसी स्थिति में कौन नाशवान और अनाशवान हो सकता है। ये जो परमार्थ ज्ञान रूप आत्मा है वह काटने के अयोग्य है। वह परमार्थ चित्ती ब्रह्म ज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ती। उसका जो कल्पित हृदय है वह जगत ही है। जैसे उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वैसे ही उसके अंग हृदयभूत और हृदय जगत एवं जगत के हेतु अज्ञान के अभाव भी अनुभव की भी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। केवल स्मरण और विस्मरण स्वभाव रूप से जो अनुभव और अनुभव वह कल्पना करती है। जगत की आत्मा भी अविनाशी आत्मा को लेकर ही है, इससे भी जगत विनिश्वर नहीं हो है। ये कहते हैं हे श्री राम जी, ये आप जान लीजिए कि जो जो पदार्थ जिस वस्तु के स्वरूपभूत है, वे उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं हो सकते। इस विषय में आधार पर ब्रह्म रूप दृश्य ब्रह्म के सदस्य अविनाशी ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जगत का विनाश तभी होगा जब ब्रह्म विनाश होगा। परंतु ब्रह्म तो शाश्वत है, इसलिए जगत नष्ट नहीं हो सकता। यदि शंका हो कि ब्रह्म रूप विश्व है, तब तो ब्रह्म भी अनेक तरह का होना चाहिए, क्योंकि विश्व अनेक तरह का है। तो इस शंका पर कहते हैं महाप्रलय आदि भी उस महाकाल रूप परमात्मा के कल्पित अवयवी है, इसलिए विश्व की अनेकता से ब्रह्म में एक अनेकता नहीं आ सकती। जैसे कि तरंगों की अनेकता से जल में यदि शंका हो कि सृष्टि प्रलय आदि असंख्य चेतन अवयवों से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेक रस कैसे हो सकता है, तो यह शंका योग्य नहीं है, क्योंकि वृक्ष नगर आदि अनेक प्रतिबिंबों से युक्त स्फटिक शिला जैसे विशुद्ध चिदेक रस रूप हो सकती है। इस आशय से उत्तर देते हैं चिन्मात्र परम ब्रह्म रूप आकाश में किस हेतु से
किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकते हैं तथा किस हेतु से किस तरह भाव विकार आदि धर्म भी निराकार चिदाकाश में हो सकते हैं अर्थात किसी तरह भी नहीं हो सकते, जैसे स्फटिक में पड़े हुए चित्र विचित्र प्रतिबिंब स्फटिक रूप से ही स्थित है, वैसे ही इस संवेद संवी देख रस ब्रह्म में पड़े जगत महाप्रलय आदि चित्र विचित्र प्रतिबिंब रूप भाव भी ब्रह्म रूप से ही स्थित है। जैसे मन के संकल्प से जनित यक्ष नगर आदि केवल मनोरूप है, वैसे ही विशुद्ध चित्ती के असंकल्प से जनित ये भाव भी विशुद्ध चित्ती रूपी है। इस आशय से कहते हैं समस्त आकारों से रहित स्वच्छ चित्त मात्र स्वरूप आत्मा दृश्य की कल्पना करके अधीन हो जाता है। ठीक ही है, जो बालक अपने हृदय में मन से जिस यक्ष की कल्पना करता है वह उसके अधीन हो ही जाता है। ये सब तो ठीक है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जगत विनाशी कैसे। इसका उत्तर यह है कि अविनाशी ब्रह्म का वह अवयव है। इससे इस आशय को लेकर वृक्ष शाखा इसकी दृष्टांत से वर्णन करते हैं। भद्र जैसे अवयव से युक्त वृक्ष के शाखा स्कंद फल पल्लव पुष्प आदि अवयव अंग है, वैसे ही आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ उप निरूपण के अयोग्य परमार्थ घन चेतन रूप आत्मा के प्रलय महाप्रलय नाश उत्पत्ति भाव अभाव सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार आदि अवयव है। अतः जैसे ही आत्मा रूपी अवयवी अविनाशी और वर्णनातीत है, वैसे ही स्वर्ग प्रलय आदि अवयव भी अविनाशी एवं वर्णनातीत है। दृश्य और अदृश्य का भेद कैसे है, इस पर कहते हैं निरंतर ही एक रूप एक स्वरूप वाले अवयवियों में चाहे वे दृश्य रूप हो या अदृश्य रूप किसी समय भी भेद नहीं रहता। अवयव और अवयवी के भेद का वृक्ष और वृक्ष के अवयवों की समानता बतलाकर निरूपण करते हैं। जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूल रूपभूत कारण वृक्ष ज्ञान है, वैसे ही परमार्थ घन आत्मा के जगत के अस्तित्व में ज्ञान ही मूलभूत कारण है, इसलिए समानता प्रसिद्ध ही है। जैसी स्थिति में ज्ञान रूप मूल के आधार पर ही किसी किसी प्रदेश में जो कुछ विचित्रता है उसका वृक्ष के सदस्य परिज्ञान करना चाहिए। जैसे परमार्थ घन परमात्मा वृक्ष का कहीं पर सृष्टि रूप मध्य काष्ठ है, कहीं पर लोकांतर रूप तने है, कहीं पर जम्बुदीप आदि व्यवस्थापक शाखा है, कहीं पर पदार्थ रूप पल्लव है, कहीं पर प्रकाश रूप फल है फूल है, कहीं पर अंधकार रूप हरित पत्तों की हरियाली है, कहीं पर आकाश रूप कोटर है, कहीं पर प्रलय रूप गुल्म गाठे है, कहीं पर हरिहर आदि उत्तम देवता रूप गुच्छे है, कहीं पर जड़ स्वरूप छिलके है। इस प्रकार निराकार आकाश रूप ही आकार विषयों से संविदात्मक ब्रह्म में प्रतीत होता है और वह ब्रह्म के सदस्य स्वच्छ स्वभाव होने के कारण उससे अभिन्न बनकर ही स्थित है। इसी अर्थ को कहते हैं भद्र जिसने जितने भविष्य काल के पदार्थ है, जितने भूतकाल के पदार्थ है, जितने वर्तमान काल के पदार्थ है, जितने स्वर्ग है, जितने प्रलय है, वे सब अनुभव से ही सिद्ध होते हैं। अतः अनुभव रूप है और अनुभव स्वसत्तात्मक आत्मा ही है, इसलिए यूँ सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही चलन अचल स्थित है। तथा क्या ब्रह्म में कल्पित सृष्टि प्रलय आदि सत्य है, इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। यद्यपि ऐसा सृष्टि की ब्रह्ममयता है तथापि परम ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि महाप्रलय आदि कोई भी रंग ऐसे नहीं है। जैसे चंद्रबिंब में कलंक शून्यता, श्री राम जी संपूर्ण मलों से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि प्रलय के कलंक, कहाँ आदि मध्य और अंत की कल्पना तथा कहाँ लोकांतरों के विभ्रम। तब उस प्रकार के विभ्रम में कौन हेतु है और उसकी शांति कैसे होती है, इस पर कहते हैं आत्मा के तात्विक स्वरूप का अपरिज्ञान ही उसमें दोष सा बनकर स्थित हो गया है। इसलिए ब्रह्म बाह्य दृष्टि को हटाकर केवल प्रतीकात्मा की ओर लगाई गई बुद्धि से यदि विचार किया जाता है तो उसी विचार से वह नष्ट हो जाता है। जो आत्मा के अज्ञान का साधक है वह जब चरम अंतिम आत्म साक्षात्कार वृत्ति से प्रकाशित हो जाता है तब वही अज्ञान का बाधक बन जाता है। इस विषय में युक्ति बताते हैं, यदि चिरा
यदि विचारा जाए तो वह अज्ञान जैसा अज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध होता है, उसी से वह उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार पवन से ही जनित अग्निरूप दीपक पवन से नष्ट हो जाता है। ज्ञान अज्ञान और ज्ञान के कारण का निवर्तक, ज्ञान अज्ञान और अज्ञान के कार्य का निवर्तक है। ये कहते हैं अज्ञान भलीभांति परिज्ञान हो जाने पर वह था ही नहीं इस रूप से जाना जाता है तथा बद्ध और मोक्ष से रहित तो ब्रह्म ही सब कुछ है। यो बद्ध यो बोध हो जाता है वो यो बोध हो जाता है। हे श्री राम जी, मोक्ष के लिए यही वर्णित बोध आदि उपाय मैंने आपसे बताया। जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के विचार में चालू रहता है वही अधिकारी पुरुष इस इन उपायों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जी, अनादि रूप अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, परंतु जो कुछ ये कुछ वर्णित जीव आदि रूप जगत भासता है वह तो भोग और मोक्ष चाहने वाले यानी अपने तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रह्म ही है। वर्णित विचार दृष्टि से अणिमा आदि आठ गुणों से युक्त सर्वेश्वर भी माया रूप होने से असार है। इस प्रकार के उच्च वैराग्य से स्वरूप ईश्वर रूपता को पूर्ण रूप समझ रहा कोई अधिकारी पुरुष अपने में निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म रूपता का निश्चय कर अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट हो स्थिर रहता है। 61वां सर्ग समाप्त।